स्टार्टिंग में मिस्टीरियस सबको ये बता देता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, जिससे सारी दुनिया में उत्सुकता पैदा हो जाती है। सब लोग स्पाइडरमैन के बारे में जानना चाहते हैं। न्यूज़ चैनलों पर स्पाइडरमैन की बैड छवि को दिखाया जाता है, जिससे उसकी सारी इमेज खराब हो जाती है। कुछ लोग उसके सपोर्ट में होते हैं और कुछ अपोज में होते हैं। इसी के चलते स्पाइडरमैन को पुलिस भी अरेस्ट कर लेती है, और इसी कंट्रोवर्सी के चलते इस पीटर पार्कर और उसके दोस्तों का MIT में एडमिशन भी कैंसिल कर दिया जाता है। इन सब से परेशान होकर पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंचता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप किसी मंत्र से सब लोगों को ये बुला दें कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। डॉक्टर स्ट्रेंज एक मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन मंत्र पढ़ते वक्त पीटर उन्हें बीच में बार बार परेशान करता है। इसके चलते मंत्र में गड़बड़ी हो जाती है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज के कंट्रोल से बाहर हो जाता है। इसी के तहत मल्टी यूनिवर्स के गेट खुल जाते हैं और कुछ पुराने विलन इस यूनिवर्स में आ जाते हैं। सबसे पहले डॉक्टर ऑक्टोपस की एंट्री होती है, जो एक ब्रिज पर स्पाइडरमैन से फाइट करते हैं, लेकिन फाइट के टाइम उन्हें ये पता चलता है कि तुम वो पीटर पार्कर नहीं हो जिनसे मेरी दुश्मनी है, और वो ये सोचने लगते हैं कि तुम कौन हो और मैं और तुम स्पाइडरमैन कैसे बने हो। थोड़ी देर बाद ग्रीन गोब्लिन की एंट्री हो जाती है, तभी डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को समझाते हैं कि तुम उन्हें सबको पकड़ना होगा और वह तुम्हें वापस उन्हें उनके यूनिवर्स भेजना होगा। इसी के चलते वो एक दूसरे विलेन को पकड़ना जिसे हम इलेक्ट्रो कहते हैं या मैक्स कहते हैं, वहीं पर सैंडमैन भी आ जाता है। लेकिन बहुत खतरनाक फाइट करने के बाद स्पाइडरमैन फाइनली उन दोनों को पकड़ लेता है और डॉक्टर स्ट्रेंज के तहखाने में बंद कर देता है। स्पाइडरमैन को ग्रीन गोब्लिन अपनी आंटी के पास मिल जाता है और उसकी आंटी उससे इन्हें दूसरा मौका देने को कहती है, क्योंकि सबको दूसरा मौका मिलना चाहिए। जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज वो मंत्र पढ़ने वाले होते हैं उन्हें यूनिवर्स में भेजने का, तभी स्पाइडरमैन वह जादू डिब्बा लेकर भाग जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन के बीच में खतरनाक फाइट होती है डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिक दुनिया में, लेकिन स्पाइडरमैन उन्हें एक चालाकी के साथ उन्हीं की दुनिया में बांध देता है और उनकी अंगूठी भी लेके वहाँ से चला जाता है। यानी पीटर पार्कर वह उन्हें अपने घर पे ले जाता है ताकि वह उन्हें ठीक कर सके। लेकिन जब वह ठीक कर रहा होता है तब ग्रीन गोब्लिन और इलेक्ट्रो यानी मैक्स दोनों धोखा दे देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, और वहाँ पर एक बहुत खतरनाक फाइट होती है। लेकिन इसी फाइट में स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर की आंटी की मौत हो जाती है। यह सीन पीटर पार्कर को तोड़ देता है, क्योंकि वह नहीं चाहता है कि उसकी आंटी की मौत उसकी वजह से हो जाए, और वो बहुत दुखी हो जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज की अंगूठी पीटर के दोस्त के हाथ में होती है और वह स्पाइडरमैन को बुलाने के लिए गलत गेट खोल देता है, जिससे अमेजिंग स्पाइडरमैन वाला स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर आ जाता है। वह उनसे प्रूफ मांगने के लिए वह उसे दीवारों पर चलाते हैं कि तुम ही स्पाइडरमैन हो। जब वह दूसरा गेट खोलता है तो वहाँ से दूसरा पीटर पार्कर आता है, जो सबसे पुरानी फिल्मों में हमें दिखाया जाता था। तभी सब मिलकर पीटर के पास पहुँचते हैं और उन्हें समझाते हैं कि तुम दुखी मत हो, हमने भी इस लड़ाई में अपनों को खोया है और हम सब तुम्हारे साथ हैं। तभी तीनों मिलकर उन सबको पकड़ने का प्लान बनाते हैं और कोशिश करते हैं और कुछ नई डिवाइसेस बनाते हैं जिनसे उन सबको ठीक किया जा सके। तभी पीटर एक वीडियो कॉल के ज़रिए उन सबको स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे बुलाता है ताकि वहाँ पर उनसे लड़ाई करके उन्हें ठीक किया जा सके। तभी वो दोनों पुराने स्पाइडरमैन एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर मैक्स यानी इलेक्ट्रो आ जाता है। वह उन तीनों स्पाइडरमैन के साथ बहुत ज़बरदस्त फाइट करता है। फिर लिजार्ड और सैंडमैन भी वहाँ पर आ जाता है। सबके बीच में बहुत खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन वह उन्हें हरा नहीं पाते, इसलिए तीनों एक साथ मिलके और एक एक को हराने की कोशिश करते हैं। तीनों साथ में कमाल लगते हैं। वह सबसे पहले सैंडमैन को ठीक करते हैं और उसे एक नॉर्मल इंसान बना देते हैं। उसके बाद वह लिजार्ड को एक केमिकल से ठीक करते हैं। तभी पीटर का दोस्त एक गलती से एक गेट खोल देता है, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज वापस आ जाते हैं। लिजार्ड को ठीक करने के बाद वह मैक्स को भी ठीक कर देते हैं, लेकिन तभी उन्हें लगता है कि अब लड़ाई ख़त्म हो चुकी है और शांति हो जाएगी। तभी ग्रीन गोब्लिन की एंट्री होती है, वह उन सब पे हमला कर देता है। इसी हमले के तहत स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड गिर जाती है, लेकिन अमेजिंग स्पाइडरमैन वाला पीटर उसे बचा लेता है और वह बहुत खुश होता है, क्योंकि वह अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बचा पाया होता है। लेकिन जैसे ही पीटर उसे मारने की करता है, तभी सबसे पुराना स्पाइडरमैन उसे रोक लेता है और उसे एक दवाई दे के ठीक कर लेते हैं। तभी पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि आप इन सबको वापस अपने इनके यूनिवर्स भेज दीजिए और सबको ये बुला दीजिए कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि तुम
आखिरी बार अपने दोस्तों से मिल लो, उसके बाद वह तुम्हें याद नहीं रख पाएंगे। इसी के तहत वह स्पाइडरमैन सबसे पहले उन दोनों से मिलता है तीनों, और फिर अपने दोस्तों से मिलता है और अपने दोस्तों को बताते हैं कि इसके बाद तुम मुझे भूल जाओगे कि मैं कौन हूँ, और ये भी नहीं, हम दोस्त भी नहीं रहेंगे। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उस गेट को बंद कर देते और वह सारे वापस अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं। सबसे पहले विलेन जाते हैं, फिर उसके बाद वो दोनों स्पाइडरमैन चले जाते हैं। उसी के तहत पीटर वापस नॉर्मल लाइफ एंजॉय करने लगता है और वो अपनी पुरानी वाली लाइफ में खुश रहता है और अपने